नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 8 के छात्र छात्राओं को हम पाठ 6 भगवान की लीला के पाठ को पढ़ाएंगे। भगवान के डाकिए से मतलब डाकिया, एक तो जनरली भाषा में हम कहते हैं डाकिए को जो पत्र वाहक होता है, पत्र देने वाला। यहाँ भगवान के डाकिए की बात की गई है। भगवान का दूत, ठीक है ना, भगवान के कार्य को करने वाला भगवान के डाकिए। जैसे एक डाकिया जनरली जो होता है, जो हमारी डाकों को लाता है, जो हमारी हर प्रकार की ऐसी सेवा को क्या करता है, प्रदान करता है, एक वो डाकिया हो गया। यहाँ जो डाकिए से अभिप्राय है वो भगवान के डाकिए से है। और इसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसको लिखा हुआ है। पहली पंक्ति है, पक्षी और बादल के बीच का जो संबंध है ये भगवान के डाके हैं। कौन? पक्षी और बादल। पक्षी और बादल के हैं ये, इनमें ये किसी के बाउंडेशन में नहीं रहते, ये स्वतंत्र होकर काम करते हैं, ये परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र होकर के अपने कार्य को करते हैं। ये सीमाओं का भी क्या कर देते हैं, लांघना, उल्लंघन करना, मीन्स जैसा ये चाहते हैं, जैसा इनको अच्छा लगता है वह कार्य करना इनको अच्छा लगता है। वो क्या है, पक्षी और बादल। पक्षी भी ये नहीं देखता है कि ये हमारे देश की सीमा है, ये अब यहाँ से दूसरा देश या प्रांत शुरू हो रहा है, मुझे अपने प्रांत में रहना है या मुझे अपनी कंट्री में रहना है, ऐसा नहीं। उसके लिए क्या है, सब एक सा है, वो प्रकृति का पूरा आनंद लेता है। बादल का भी यही है, ऐसा नहीं कि बादल यहाँ बने हुए हैं, भारत में बने हुए हैं, भारत की सीमाओं में बने हुए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो भारत में आके बरसेंगे, हो सकता है वो पड़ोसी के देशों में जाकर के बरस सकते हैं, उनका ऐसा कुछ भी बाउंडेशन से नहीं होती है। कौन? पक्षी और भगवान के डाके हैं। ये कैसे हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक देश से दूसरे देश का आना जाना स्वतंत्र रूप से करते हैं, वो प्रतंत्र नहीं, स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुरूप जो कार्य कर रहे हैं। हम तो क्या करते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियों जो संदेश ला रहे हैं, जो चीजों को ला रहे हैं बादल पक्षी, वो हमारी समझ से क्या है, बहुत परे है, हमारी समझ से बहुत दूर की बात है। उसको हमें समझना चाहिए। एक देश का पक्षी दूसरे देश में आकर के वहां की गंध ला रहा है, वहां की बहुत सारी उन चीजों को लेकर के अपने देश में लौट रहा है, वो उस चीज को हम क्या कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। मगर क्या कहते हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं, हम तो नहीं उस चीज को समझ पा रहे हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो चीजें होती हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त निशुल्क जो चीजें होती हैं, वह उस चीज को समझती हैं। वो कौन है, पेड़ है, पौधे हैं, पहाड़ है, वो सब क्या करते हैं, बांसना, मतलब उस चीज का बखान करना, उस चीज के बारे में बताना। हम तो केवल यहाँ आते हैं कि एक देश की धरती, एक ही देश, हमारी समझ क्या है, सीमित है। और भगवान की बनाई हुई उन वस्तुओं का, प्राकृतिक वस्तुओं का जो रूप है वह कैसा है, विराट है, बहुत बड़ा है, उसको समझना इतना आसान नहीं है और कठिन भी नहीं है, है ना। कि दूसरे देश को सुगंध भेजती है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, वनस्पतियों के द्वारा, बादलों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा,
प्राकृतिक प्रदत्त जो चीजें हैं उनके द्वारा वह निशुल्क बिना किसी कीमत के उन चीजों का क्या कर रही है, आना जाना और पक्षियों की पांखों पर क्या करता है, तितरता है, तीरता है। पक्षियों की पंख पर जब उड़ते हैं एक देश से एक स्थान से दूसरे स्थान को, क्या जब उड़ान पर लंबी उड़ान में जाते हैं पक्षी, ऋतु काल के हिसाब से पक्षी रहते हैं। जो शीतोष्ण प्रदेशों के पक्षी होते हैं वह ठंड के दिनों में क्या करते हैं, ठंड जब शीतोष्ण मतलब ठंडी जब प्रारंभ होता है, ठंडा जब प्रारंभ होता है तो ठंड वाले स्थानों के जो पक्षी होते हैं वह कहाँ आ जाते हैं, गर्म स्थानों की ओर पलायन करना शुरू कर देते हैं। और फिर जैसे ही मींस वेदर के अनुकूल मौसम के आधार पर वह आना जाना पक्षियों का होता है और वो बहुत लंबी उड़ान में जाते हैं। और कहा और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ जो बादल मैंने बताया था वो बने हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो यहीं बरसने वाले हैं, कि अन्यत्र जाकर के दूसरे प्रांत में जाकर के दूसरे देश में जाकर के वो क्या होंगे, उससे बारिश करेंगे, वो बरसेंगे